अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने बच्चे का वार्डरोब कैसे ऑर्गेनाइज रखती हूँ। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा मेस्ड हो गया था क्योंकि मिड रमज़ान में मैंने इसे क्लीन किया था। फिर क्या है ना, घाई घाई में जैसे कोई भी सामान आता है फ़ौरन मैं इसे रख देती हूँ, मतलब ठीक है। तो ये जो पूरा कबर्ड है ना, ये मेरे बेटे का नहीं है, इसमें थोड़ा सा सामान मैंने भी अपना रखा है, जैसे कि दुपट्टे और लेगिंग्स। तो मैं क्या करती हूँ कि सारे जो मेरे दुपट्टे होते हैं उसे एक गठरी में बना के रख देती हूँ, और जो मेरी सारी लेगिंग्स होती है ना, वो ऐसे नेट के दुपट्टे में, जो कि सामने से ही दिख जाती है कि मतलब अच्छा ये कलर की लेगिंग्स यहाँ पे, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है ढूंढने में। तो ये जो नीचे का सेक्शन है ना, वो मैंने ले लिया है, क्योंकि इतने कपड़े तो अभी होते नहीं है ना बच्चों के, तो इतना बड़ा कबर्ड देखे कोई मतलब नहीं होने। तो यहाँ से शुरू होता है मेरे बेटे का लाइक कबर्ड, जो कि मैं उसके सारे इस कंटेनर में मैं उसके मोज़े हो गए, रुमाल हो गए, और जो भी होते हैं वो मैं रखती हूँ। बहुत ही मतलब जब भी इसको खाना खिलाना होता है, कहीं जाना होता है, फ़ौरन इसे निकाला और ले लिया। ठीक है, ये एक्चुअली कैसा था ना कि मैं चाहती थी कि मैं अपना वार्डरोब लाइक अपने सॉरी बेटे का वार्डरोब ऐसा बनाऊँ जैसे ड्रॉर्स होते हैं ना, तो बहुत इजी होते हैं बच्चों के कपड़े रखने के लिए। एक ड्रॉर में लोअर रख लिया, एक ड्रॉर में टी शर्ट्स रख लिए, सेट रख लिया, बट अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा वाला कबर्ड आ गया। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर बनवाऊँगी। तो जो जब ऐसा वाला कबर्ड आया तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मतलब मैं कैसे रखूँ, कितनी बार गिर सकता है कपड़े। तो मैंने क्या किया, ऐसे कंटेनर्स लेकर आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो मेरे बेटे के सारे क्लॉथ डायपर्स हैं, मैं इसे एक कॉर्नर में रख देती हूँ, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा नहीं अभी पहना रही हूँ, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो मतलब इतना ज़रूरत नहीं लगती है। और ये सारे इसके टॉवल्स हैं, टॉवल्स मेरे बेटे के पास कम से कम 5-6 हो गए। मुझे पसंद है यार मेरे बेटे के लिए मतलब चीज़ें खरीदना, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदती रहती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं खरीदती हूँ और उसे रख देती हूँ, नहीं। जब भी मेरे घर में कोई भी ज़रूरतमंद आता है, जो मतलब छोटे बच्चा लेके आता है और वो कपड़े मांगता है, तो मैं अपने बच्चे के सारे कपड़े उसे दे देती हूँ। सच बता रही, मैं एक बार भी नहीं सोचती हूँ कि मेरे बेटे का नया कपड़ा है कि पुराना है। मेरे हाथ में जो आता है, मुझे वो बच्चे की चेहरा देख के मुझे जो ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, उसको खुशी मिलेगी, मैं दे देती हूँ, चलो ठीक है। उसके बाद ये दूसरा जो कंटेनर है ना, उसमें मैं अपने बेटे के सारे जो फटाफट पहनने वाले कपड़े होते हैं, मतलब जो सामने दिखे और निकाल के पहना, जैसे सुसु कर दिया या फिर कुछ खा के गंदा कर दिया, तो ये सारे वो कपड़े हैं जो मैं उसे एक कंटेनर में रखने वाली। पता है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसे बॉक्सेस ख़रीद लीजिए और आप उसमें ऐसे रख सकते हैं। और अगर ऐसे बॉक्सेस नहीं खरीद, जैसे काफ़ी महंगे आते हैं मैं सच बताऊँ तो, बट ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ऐसे नहीं खरीद सकते तो जैसे शू बॉक्स होते हैं जो थोड़े बड़े वाले, तो उसमें भी आप रख सकते हैं, जैसे सॉक्स रख सकते हैं, रुमाल हो गए, या फिर ऐसे लेगिंग सॉरी लेगिंग बोल रही, लोअर रख सकते हैं ना। तो इसमें ना यही मैं सारी चीज़ें रखती हूँ। और जैसे ये मेरे बेटे का नाइट सूट है, अभी तो काफ़ी मतलब कम हो गए कपड़े, क्योंकि रमज़ान में थोड़े मांगने वाले आ गए तो उन्हें दे दिए, और लॉकडाउन की वजह से मैं ख़रीद नहीं पाई। बट अभी जैसे डिलीवरी स्टार्ट हो गई है तो मैं शॉपिंग चालू कर दूँगी। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने अपने बेटे के आधे कपड़े रख लिए। एक्चुअली एक बात बताऊँ, ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया था क्योंकि सफ़ाई करते करते मुझे आधा पौना घंटा हो गया था, लेकिन मैंने इसे कैसे कैसे कट कट करके छोटा किया है, क्योंकि देखने वाले को भी थोड़ा सा होना चाहिए ना कि हाँ चलो भाई, जो काम की चीज़ है वही दिखाई जा रही है, ना कि फालतू की चीज़। ठीक है, तो ये जो कंटेनर है ना, ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं मतलब उससे तो बड़ा ही है, और लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, हाइट में भी। तो इसमें मैं अपने बच्चे के सारे लोअर्स रखने वाली हूँ, जैसे जीन्स हो गई, जो ऐसे कपड़े जो मतलब कहीं बाहर जाए तो पहने, या फिर कभी मन किया तो मैं पहना देती हूँ, जैसे नहाने के फ़ौरन बाद यही सारे कपड़े पहनाती हूँ मैं। मैं ना मेक श्योर करती हूँ कि मतलब बेटे के पास मेरे हर कलर की पैंट हो, ताकि मुझे पसंद है यार, जैसे मिसमैच करके पहनाना। मैं ये नहीं सोचती कि वो लड़का है तो उसे ये कलर नहीं पहना सकते, वो नहीं, मैं पिंक भी पहनाती हूँ। मुझे काफ़ी मेरे फैमिली मेम्बर्स कह चुके हैं, अरे क्या लड़की है क्या जो पिंक पहनाते हो, बट मुझे पसंद है तो मैं सारे कलर्स पहनाती हूँ। तो उसके बाद ये कंटेनर में मैं सारे सेट रखने वाली हूँ, जैसे कि ये येलो सेट था, ये मेरी फ्रेंड ने मेरे बेटे को गिफ्ट किया था, ये बहुत अच्छा सेट है, लाइक शीन से उसने मुझे दिया था। जब मेरा बेटा पहनता है ना, माशाल्लाह बहुत खिलता है वो कलर उस पर।
तो ये जो सारे हैं ये जैसा आप देख सकते हैं शॉर्ट्स और हाफ गंजी जैसी है, तो ये सारी मैंने हॉपस्कॉच से ऑर्डर की थी एक साथ में, जैसे गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छे हैं मटेरियल वाइज, मतलब सब कुछ अच्छा है, आप ऑर्डर कर सकते हैं ये सब। तो ये सारे सेट मैं इसमें रख रही हूँ, बहुत आसान होता है यार फिर निकालने के लिए। और ये थर्ड कंटेनर है जिसमें मैं मेरे बेटे की सारी टी शर्ट्स रखने वाली हूँ। अच्छा, ये जो टी शर्ट मैं अभी तय कर रही हूँ ना, ये तो काफ़ी पुरानी है बट मैं इसे फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ये टी शर्ट वो जब भी पहनता है ना बिल्कुल अपने दादा की तरह लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि छोटे दादाजी चल रहे हैं, मतलब सभी कहते हैं, इसलिए मैं उसे फेंकती नहीं हूँ यार, वो पहनता है ना बड़ा क्यूट लगता है माशाल्लाह। तो ये देख लीजिए कितने अच्छे से सेट हो गया, मतलब जब भी चाहिए रहेगा तो मैं ऐसे आराम से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। और ये सारे जो कपड़े थे ना, ये मैंने नए मतलब ये ऑर्डर किए थे, तो इसे मैं हैंगर में लगा देती हूँ ताकि यहाँ वहाँ ना हो, सेट है ना। और ये महाराज को दीजिए, मैं यहाँ काम कर रही हूँ ये मिट्टी खाने में लगे, मुझे बताना किस किस के बच्चे ऐसे मिट्टी खाते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है यार, मुझे उसका काम करवाना है लाइक पेंट वगैरह। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे क्लीन कर दिया, मतलब मेरे लिए इतना क्लीन होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मतलब मुझे कंटाल आता है यार ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इतनी मेहनत करने के बाद यार चाय नाश्ता तो बनता ही है ना, तो मैं यहाँ टोस्ट के साथ चाय पी रही हूँ। एक्चुअली मुझे पसंद है बटर, पर यहाँ बटर मिलता नहीं यार, तो मुझे टोस्ट के साथ ही काम चलाना पड़ता है। और फिर ये मकिन मैं थोड़ा तल रही हूँ मेरी छोटी ननन के लिए और मेरे बेटे के लिए, बेटे को मैं जल्दी ये देती नहीं क्योंकि थोड़ा सा अनहेल्दी होता है, बट ठीक है कभी कभार चल जाता है यार। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग प्लीज़ बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।